हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे कार्ड फ्री। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सियाज प्री फेस लिफ्ट का इंटीरियर डेल्टा मॉडल का, जो कि सेकंड वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। तो आइए देखते हैं इसका रियर सीट कंफर्ट। तो आइए देखते हैं इसका कंफर्ट कैसा है रियर सीट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डोर बहुत ही ज़्यादा वाइड ओपन होता है, और डोर पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, और साथ में लेदर कुशिंग है। और नीचे देखें तो यहाँ पे आपको स्पीकर और 1 लीटर बोल्ट बॉटल होल्डर के साथ मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं। और यह है आपकी स्कफ प्लेट सियाज की रिटर्न है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही वाइड कैबिन है, और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिलती है, और लॉक अनलॉक, और गौर से देखते हैं ये फिनिशिंग। तो देखते हैं इसकी सीट्स की ओर। अब जैसा कि देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सीट्स है, बहुत ही प्रीमियम लगती है ये। और ये सीट बेल्ट्स, 3 सीट बेल्ट्स, और ये आपको मिलता है पीछे रियर एसी वेंट, और साथ में 12 वोल्ट पावर सॉकेट आउटलेट, और साथ में आपको कुछ जगह मिलती है नीचे सामान रखने के लिए। और आपको रियर सीट पे फ्रंट की रियर जगह पे आपको मैगजीन होल्डर मिलते हैं। तो आइए बैठ के देखते हैं कैसी है सियाज का रियर सीट कंफर्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है, और साथ में आपको यहाँ पर एक आर्म रेस्ट भी मिलता है विथ 2 कप होल्डर्स, और साइड डोर पे भी सेम ही फिनिशिंग मिलती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, लेग रूम कितना ज़्यादा है, दोनों सीट्स एवरेज पर्सन के हिसाब से सेट करी गई है। और ये है 2 रियर AC वेंट्स, ये क्लोज और एयर फ्लो को ऑन करने के लिए। साथ में यहाँ पे 12 वोल्ट पावर आउटलेट जो कि ऐसे बंद हो जाता है, और यहाँ पे आपका फोन रखने के लिए जगह है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कैबिन है, और यहाँ पर आपको मिलता है एक कोट होल्डर, कोट हुक, और ये स्लो ऐसे जाता है, लग्जरी फील कराता है एकदम। ऊपर पीच शेड में आपको रूफ मिलती है, और सेंटर में आपको रियर रीडिंग लैंप्स, और नॉन एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं रियर में, और साथ ही में आइसोफिक्स माउंट फॉर चिल्ड्रन जो ऐसे कि ओपन हो जाते हैं और ऐसे लॉक, और रियर डिफॉगर। पीच फिनिश में आपको सीट्स मिलती है लेदर, और यहाँ पर है आपकी रियर सीट्स। तो ये देखिए आपका फिनिश, फ्रंट। तो ये है फ्रंट डैशबोर्ड की एज अ होल लुक, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके पिक भी ले सकते हैं। बहुत ही वाइड है, पीछे देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। तो आइए चलते हैं फ्रंट सीट्स पे। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही वाइड डोर ओपन होता है, और एज यूजुअल आपको रियर की तरह आपको फ्रंट में 1 लीटर बोतल होल्डर, और साथ में कुछ स्पेस मिलता है मैगजीन वगैरह रखने के लिए, और साथ में स्पीकर, और यहाँ पर आपके वुडन फिनिश मिलती है जो कि एक्सेसरीज का पार्ट है, और सेम स्विच गियर जो आप हर मारुति कार में देखते हैं, यहाँ पे लेदर फिनिश मिलती है, और साथ में दिस सॉर्ट ऑफ फिनिश ब्लैकिश, और यहाँ पर आपको क्रोम मिलता है, क्रोम डोर हैंडल बार, साथ में लॉक अनलॉक। और ये देखिए, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं मिरर, आउटसाइड मिरर, और ये है आपका लॉक अनलॉक का बटन, और ये है रियर पावर विंडो लॉक, और ये पावर विंडोज़ ये लॉक, और ड्राइवर साइड आपको ऑटो मिलती है,
एंड ऑटो अप एज वेल, बट इसमें एंटी पिंच का फंक्शन नहीं है, वो अपर वेरिएंट जेटा वेरिएंट में मिलती है जो कि थर्ड वेरिएंट है। तो आइए देखते हैं फ्रंट कैबिन एज अ होल। तो आइए इसके साइड में देखते हैं कैसी है ये। सबसे पहले आपको यहाँ पे की होल्डर मिलता है जहाँ पे कलर में थोड़ी सी ब्राइटनेस मिलती है जिससे आपको रात में परेशानी ना हो। और यहाँ पे आपको कुछ जगह रखने का सामान मिलता है। और ये आपका ड्राइवर साइड एसी वेंट सिल्वर फिनिश के साथ, और पार्किंग सेंसर्स, फॉग लैंप और हेडलाइट बीम एडजस्टमेंट्स के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना हुड ओपन कर सकते हैं। और ये है इसका पैडल एरिया। और सीट्स को देखें तो ये 6 एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, बहुत ही अच्छी कुशनिंग है, साथ में एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट मिलते हैं, साथ में टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं, टेलीस्कोपिक का फंक्शन सियाज के किसी वेरिएंट में नहीं आता है। तो आइए अंदर बैठ के बात करते हैं आपसे। तो ये है सियाज का स्टीयरिंग व्हील, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लुक है स्टीयरिंग व्हील का। बीच में सुजुकी का लोगो विद SRS एयरबैग एंड हॉर्न। साइड में आपको लेफ्ट साइड में मिलते हैं ऑडियो कंट्रोल्स, जहाँ पे आप म्यूट कर सकते हैं मोड, वॉल्यूम प्लस माइनस और ट्रैक चेंज करना हो। और अगर आप इसके बैक साइड से में देखें तो यहाँ आपको ब्लूटूथ और टेलीफोनी के कंट्रोल्स मिलते हैं। और ये आपको क्रोम इंसर्ट्स के साथ मिलता है स्टीयरिंग व्हील। और ये है इस मॉडल का म्यूज़िक सिस्टम, 2 DIN का आता है इसमें। इसमें ब्लूटूथ, CD प्लेयर सब आता है, FM एक्सेट्रा। और ये है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें रियर डिफॉगर आता है और फ्रंट डिफॉगर। तो इसमें कुछ ऐसी आती है प्रीमियम ऑफरिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको अगर आप ऐसे टच करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। और इसमें आपको 2 कप होल्डर विद एल्यूमिनेशन, और आपको अंदर USB ऑक्स का पोर्ट मिलता है, और साथ में 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलता है, पावर सॉकेट। और ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। और ये है हैंड ब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ। और यहाँ पे कुछ सामान रखने की जगह है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके एसी वेंट्स, लोअर एसी वेंट्स। इसमें आपको हैजर्ड लाइट्स के साथ फंक्शन मिलता है, साथ में एसी लोअर वेंट्स में आपको सिल्वर फिनिश मिलती है। और ये देख सकते हैं आप, फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त की गई है। और ये है ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, एयरबैग, 2 एयरबैग्स एक्सटेंडेड आते हैं इसमें। और यहाँ पर फ्रंट कैबिन रीडिंग लाइट्स जो कि कुछ ऐसे ऑन होती है, और यहाँ पे माइक्रोफोन। और ये है आपके IRVM विद डे नाइट फंक्शन, ऑटो डिमिंग इसमें नहीं आता है। और इसका ये है फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, एडजस्टेबल नहीं है ना ही कूल्ड। सो ये है हमारी वीडियो सियाज के इंटीरियर के बारे में। फॉर मोस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई। आपके लिए और भी नई वीडियो बहुत ही जल्द आती रहेगी। धन्यवाद।